अक्टूबर एग्जाम के लिए जिन बच्चों को फीस सबमिट करनी है वो बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, और ये परेशानी की बात भी है क्योंकि पहले ही एनएस ने इतना ज्यादा परेशान कर रखा है अप्रैल 2020 वाला जो उनका रिजल्ट है इसको लेके, क्योंकि बच्चे जो है पूरी तरीके से पहले ही परेशान थे। तो कुछ बच्चों ने ये सोचा था कि चलो भैया अक्टूबर वाला जो है उसमें अपना फीस सबमिट कर लेंगे, तो अक्टूबर वाला भी जो एग्जाम का फीस तो तब सबमिट होगा जब लिंक एक्टिव होगा। लेकिन अब यहाँ पे एग्जाम फीस सबमिट करने की तो लिंक एक्टिव है नहीं, तो अब ऐसे में क्या किया जाए? तो आज हमारा जो है इस वीडियो में हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मेरा जय श्री राम, मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी। आज की वीडियो में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों आप नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही जो है इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करें, और कमेंट में जय श्री राम भारत माता की जय जरूर लिखें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, बातों को समझते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप एग्जाम फीस सबमिट करने के लिए आप जाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार का लिंक नहीं मिलेगा। तो अब बात आ जाती है ऐसे में क्यों, क्या हो गया ऐसे? क्योंकि जैसे कि अगर आपको पता हो तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 16 अगस्त से लिंक एक्टिव होना था कि जो बच्चे अक्टूबर एग्जाम के लिए अपनी जो है फीस जमा कर सकते थे, लेकिन हुआ तो ऐसा नहीं है। तो अब ऐसा क्या किया जाए, इस कंडीशन में क्या किया जाए मैं आपको बताऊंगा, और ये कब तक हो सकता है इसको भी समझेंगे। सबसे पहली बात, अभी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपने अपने एप्लीकेशन सबमिट नहीं किए हैं नोएडा हेड ऑफिस में, तो आप सबसे पहले अपने एप्लीकेशन को जरूर सबमिट कीजिए। देखो आपको कुछ यूट्यूबर जो है एनआईएस के अगेंस्ट करने की कोशिश कर देते हैं, और फिर उसके बाद मैं एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना। आपको पहले एनआईएस के अगेंस्ट किया जाता है, और उसके बाद फिर आपको कहा जाता है कि अब इसमें एडमिशन ले लो एनएस में, अब एनएस का ये एडमिशन स्टार्ट हो गया। अरे जिसके अगेंस्ट आप बना रहे हो बच्चे को, उस बच्चे को जाना भी तो वहीं पे ही है, बातों को समझिए यहाँ पे। तो दूसरी बात क्या है कि आपको जो आपका रिजल्ट है वो कौन देगा, देगा तो एनओएस ही। तो आपको सबसे पहले अपने एप्लीकेशन जरूर सबमिट करने चाहिए, और अगर आप बहुत दूर रहते हैं यानी जो है बहुत दूर वाले स्टेट में रहते हैं जहां से आपका एप्लीकेशन टाइम पे नहीं पहुंचेगा, अगर आप छूट रहे हैं तो आपको जल्दी से अपना एप्लीकेशन सेंड करना चाहिए। और आप बहुत दूर हैं तो आपकी मदद हम करेंगे, आप हमारे से कांटेक्ट कीजिए, हम दिल्ली से आपका जो एप्लीकेशन है वो जल्दी से स्पीड पोस्ट करेंगे, सेम डे में करेंगे। बहुत सारे बच्चे जो बंगाल बिहार झारखंड पंजाब त्रिपुरा इस तरह से बहुत सारे राजस्थान इस तरह से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने एप्लीकेशन सबमिट करवाए हैं, तो उनकी तरह आप भी करवा सकते हैं। तो आप इस नंबर पे मुझसे कॉन्टेक्ट करें और बात करें, और मैं आपको बताऊं ये एप्लीकेशन जो है इसकी चार्ज हमारी 700 है, तो आपको 100-200 वाले भी बहुत मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले जो तरीका हमने स्टार्ट किया है, तो जो तरीके हमने बताया जितनी तरीके से हमारा है, और इन सभी तरीकों को जानने के लिए ये जो वीडियो आपको दिख रहा है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप इसको जरूर देख ले। तो बात आ जाती है कि सर अक्टूबर एग्जाम का क्या होगा, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप कुछ दिन और वेट कीजिए, इसका लिंक जरूर एक्टिव होगा। अगर बहुत तो बहुत देखा जाए तो एक वीक में इसका लिंक एक्टिव कर देना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, आपने इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।